ये बात इसलिए किया है कि वो इसी पाठ में श्रद्धा रखती थी, धर्म में उसकी असीम श्रद्धा थी। वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी भाभी, एक अच्छी जेठानी, हर रिश्ते में बहुत आगे थी। उसकी प्रशंसा कहाँ करती जाए, समझ में आता क्या क्या उसके गुणों का उदाहरण दिया जाए। वो इस संसार को छोड़कर चली गई, लेकिन वो अपने गुणों के रूप में हमारे बीच में जिंदा है। हर व्यक्ति को एक दिन चले जाना है, सांस से सांस छोड़ते कैसे भी जलाया जाता है, कुछ भी तो अपना नहीं, यही अपना है। जो अच्छे गुण है, अच्छे संस्कार है, अच्छे कार्य हम शुभ कर्म करके संसार को छोड़ करते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं। ठिकाना कबर है तेरा ये मालूम कुछ तो कर, काफी कहावत है कि खाली हाथ घर का है। हमें खाली हाथ घर नहीं जाना तो क्या लेके जाएंगे, सुई तक तो उठा के लेके जा नहीं सकते। हम अपने साथ ले जाने के लिए राम नाम और हमारे अच्छे कार्य जो हम इस संसार में करके जाते हैं, वो ही हमारे साथ जाते हैं। शारीरिक रूप से संसार से विदा लेने के बाद भी हम आत्मिक रूप से अपने गुणों के रूप में इस संसार में जिंदा रहते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने श्री राम नाम, आज हम सब ने राम नाम के रूपों की अंजलियां भर भर के आत्मा को समर्पित है। इसलिए भगवान के चरणों में भी प्रार्थना है कि इस आत्मा को शांति देना और इस परिवार को इस रूप को सहन करने की शक्ति। Awesome.
श्वास हरि नाम ले ईश्वर के घर से बुलावा आया
और सदा सदा के लिए वो जीव हमसे बिछुड़कर प्रभु चरणों में जाकर लीन हो गया। दुख बहुत है क्योंकि जिस तन लागे सो ही तर जाते, ये जिस तन लागे सो ही तन जाने, कौन जाने किसी की पीर पर है। संसारिक दृष्टि से दुख बहुत है लेकिन हम लोग जितना विलाप करेंगे जितना रोएंगे उस आत्मा को उतनी पीड़ा होगी। आदरणीय श्रीमती पूजा चोपड़ा जी जो आज हमारे बीच में शारीरिक रूप में विराजमान रही हैं, जितना हम लोग विलाप करेंगे उस आत्मा को उतना दुख होगा, जितने आंसू गिरेंगे। गर्भ प्राण में लिखा है एकादश अध्याय के अंदर कि जितने आंसू धरती पर गिरते हैं वो सारे आंसू सजीव को भीगे पड़ते हैं, जितने आंसू धरती पर गिरते हैं वो सारे आंसू सजीव को भीगे पड़ते हैं, और जितना प्रभु स्मरण होता है उस आत्मा का उतना ही कल्याण होता है। आओ परशोत्तम मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है, जिस पवित्र महीने में सांसारिक दृष्टि से दुख है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रमाद की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमती पूजा चोपड़ा जी प्रभु चरणों में जाकर लीन होंगे, क्योंकि परशोत्तम मास का पावन पवित्र महीना है। अधिक मास मल मास, जब मल मास का त्याग सभी ने कर दिया तो मल अधिक भगवान विष्णु की शरण में गया कि हर महीने का कोई ना कोई देवता है। श्रावण मास में भगवान शंकर की विशेष पूजा, आश्विन मास में मां दुर्गा की पूजा, कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की पूजा, लेकिन एक मैं ही ऐसा महीना कि लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। और भगवान कहते आज से तेरा तिरस्कार कोई नहीं करेगा, आज से तो परशोत्तम मास के रूप में जाना जाएगा। और इस पवित्र महीने में किया गया पूजन पाठ दान पुण्य अनंत गुना फल देता है। और नारायण ने अपने मुख से एक बात कही थी कि जो इस पवित्र महीने में प्राण त्यागेगा ना वो स्वर्ग में जाएगा ना वो नरक में जाएगा। अधिक मास बहुत हैरान हो गया प्रभु, मेरे महीने में अगर कोई प्राण त्यागेगा ना स्वर्ग मिला ना नरक मिला, क्या वो बीच में लटकता रह जाएगा। भगवान कहते नहीं मूर्ख, जो इस पवित्र महीने में प्राण त्यागेगा मैं उसको अपना धाम दूंगा। वो लोग कौन सा धाम मिला श्रीमती पूजा चोपड़ा जी को, गोलोक धाम पे चलकर वो प्रभु चरणों में जाकर लीन हो चुके हैं। तो आओ सभी ने मेरे साथ मिलकर प्रभु के पावन पवित्र नाम का गुणगान करना है, क्योंकि जितना राम नाम रूपी कीर्तन होगा उस आत्मा को उतना ही सुख मिलेगा। सभी ने रघुपति राजा सीता राम को रघुपति राघव
Yeah.
रुचिका अपने मन ही मन में विचार कर रही है क्या कि मां मरे नाम में कई उंग दे के अंदर
बेटा उठ जा बेटा, अरे बेटी उठ जा, कीड़ी लाटा डोल के जा। मां जैसी ममता इस धरती पर कौन दे सकता कि जितना बिसरते के अमला वाले लग लग जा
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਠਾਣੀ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਏ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਣੇ ਕੇ ਯੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛੋੜੀ ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਮੇਂ ਕਹਿਣਾ ਪੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ आज हम सभी उपस्थित हुए हैं।
आप सभी का इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थिति, आपकी हाजिरी यहां, इस बात का जीवंत प्रमाण है कि ये परिवार कितना सामाजिक, धार्मिक, मिलनसार और सबसे बड़ी बात सुसंस्कृत परिवार है। ये हमारी बहन ने पूरे परिवार को जहां समाज में विचरना, धर्म का पालन करना ये तो सिखाया ही, लेकिन जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है, बच्चों को सुसंस्कार देना, वो अपना फर्ज, अपना धर्म उस बहन ने बहुत बखूबी निभाया। मैं इस परिवार को बहुत करीब से जानता हूं। इस परिवार में दोनों भाई पिता और बेटे के समान रहते हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई, और जेठानी और देवरानी माँ और बेटी के समान रहते थे। पूरे परिवार में जो एक एकजुटता संस्कार, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारी बहन पिछले लगभग सवा साल से अस्वस्थ चल रही थी, परिवार ने ना तो इलाज में कोई कमी छोड़ी, कमी तो क्या, बहुत बेहतरीन जो इलाज हो सकता था वो इलाज करवाया, और पूरे परिवार ने उनकी बहुत ज्यादा सेवा की। बच्चे, उनकी बेटी रुचि का, हैरी टक्कर जी उनके दामाद, बच्चे अनुराग, अंकित, गीतिका, सभी ने बहुत सेवा की उनकी, बहुत उनका सम्मान, उनको इस परिवार द्वारा पूजा भी जाता था। उनका शब्द कुछ भी बोल देती थी, इस परिवार के लिए आज्ञा होती थी। ऐसे परिवार बहुत कम मिलते हैं। बहुत सी संस्थाओं ने, बहुत से महानुभावों ने जाने वाली आत्मा की शांति हेतु श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं उन संस्थाओं और महानुभावों के नाम पढ़ रहा हूं। श्री जगदीश कुमार जनी जी एक्सएमसी, श्री सुशील कांसल जी संजय इंटरनेशनल, श्री जीवन लाल, श्री नीरज गर्ग जी बंसी राम किशोरी लाल, श्री नरेश सिंगला जी, रोहित सिंगला जी, मैसेज दिनेश इंडस्ट्रीज, श्री सरवण भटीजा जी प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स बहावलपुरी पंचायती सभा डिस्ट्रिक्ट मालेरकोटला, श्री सुरेंद्र सिंगला जी प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स गौशाला कमेटी रजिस्टर्ड मालेरकोटला, श्री पी के धीर जी प्रमुख सेवक श्री राम शरणम आश्रम ठंडी सड़क, श्री सतपाल गुप्ता जी प्रधान एवं सदस्य दीवान श्री राम शरणम आश्रम दीवान खाना रोड, श्रीमती सुदर्शन धीर जी प्रधान एवं मेंबर्स महिला खत्री सभा मालेरकोटला, श्री राकेश बिट्टू जी प्रधान एवं सदस्य खत्री सभा डिस्ट्रिक्ट मालेरकोटला, श्री सचिन कुमार जी म्युनिसिपल काउंसिलर, श्री जगदीश किंगर जी एवं श्रीमती नीना किंगर जी म्युनिसिपल काउंसिलर, श्री बेअंत किंगर जी एवं श्रीमती अंजु किंगर जी म्युनिसिपल काउंसिलर, मैनेजिंग कमेटी स्वर्ग धाम शमशान घाट के लोग मालेरकोटला, मैनेजिंग कमेटी मैनेजिंग कमेटी वैकुंठ धाम शमशान घाट जमालपुरा, मैनेजिंग कमेटी श्री बगलामुखी मंदिर, मैनेजिंग कमेटी डेरा बाबा आत्माराम जी, मैनेजिंग कमेटी श्री काली माता मंदिर, श्री नैना देवी मंदिर कमेटी, मैनेजिंग कमेटी गोपाल भंडारा ट्रस्ट रेलवे रोड मालेरकोटला,
श्री राधा माधव प्रभात फेरी, श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड मालेरकोटला, लंगर कमेटी श्री हनुमान मंदिर मालेरकोटला, श्री भूमेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री नवशक्ति मंडल, श्री अमर थापर जी प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स युवा सनातन धर्म सभा, श्री सतपाल गुप्ता जी संस्थापक लंगर कमेटी मालेरकोटला, श्री अनिल गुप्ता जी माता श्री नैना देवी भंडारा कमेटी प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, श्री अंकु यक्मी जी म्युनिसिपल काउंसिलर, श्री सुरेश जैन मंडल प्रधान भारतीय जनता पार्टी, श्री तरसेम थापर जी स्मॉल स्केल साइकिल पार्ट्स एसोसिएशन मालेरकोटला, श्री जगत कथुरिया जी सीनियर बीजेपी लीडर, श्री शक्ति छाबड़ा जी प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स चिल्ड रोल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, श्री सजीव सूर जी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल चैम्बर ब्लॉक मालेरकोटला प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, प्रेसिडेंट सुसभा डिस्ट्रिक्ट मालेरकोटला एंड प्रेसिडेंट केवल श्रीमंदिर मालेरकोटला, श्री रविंदर बांसल जी एंड मेंबर्स रेलवे रोड लंगर कमेटी, श्री जीवन शौरी जी रामनवमी उत्सव कमेटी, श्री शीतला माता मंदिर श्री शीतला माता मंदिर कमेटी अवलोक, श्री मनप्रीत सिंह जी दीवान मंडल प्रेसिडेंट बीजेपी युवा मोर्चा केयर फाउंडेशन मालेरकोटला, मैडम फजाना आलम जी एक्सएमएलए, सरदार आकम सिंह जी चाकू सीनियर अकाली दल प्रेसिडेंट, श्री अभिनव कांसल जी मंडल प्रेसिडेंट भारतीय युवा मोर्चा, श्री मनोज उपर जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल मालेरकोटला, मैसेस रोबिन रोडवेज रजिस्टर्ड मालेरकोटला, श्री भूपिंदर गुगरेजा नीटू जी एक्स प्रेसिडेंट श्री रामलीला कमेटी, श्री शिवदयाल जी रलहन एक्स प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, श्री यशपाल जी गोयल सीनियर एडवोकेट मालेरकोटला, श्री अशोक अरोड़ा जी प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स लॉयंस क्लब मालेरकोटला विशाल, मैनेजिंग कमेटी एंड स्टाफ सर्वहितकारी शिशु वाटिका एंड सर्वहितकारी विद्या मंदिर, डॉक्टर डी के गोपाल जी, श्री प्रदीप जैन एमडी महाराजा होटल, श्री चमन शर्मा जी मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स मंडल बीजेपी, श्री कृषि मंडल मालेरकोटला, श्री रमेश जैन प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स एसएस जैन सभा रजिस्टर्ड मालेरकोटला, श्री राजकुमार जी चाकरा प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स श्री विश्वकर्मा सभा रजिस्टर्ड मालेरकोटला, श्री किटी चोपड़ा जी भारत विकास परिषद मालेरकोटला, श्री अनिल गुप्ता जी प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स पंजाब महावीर दल, श्री वैष्णो माता मंदिर कमेटी, श्री राधा रमन संकीर्तन मंडल, एसए जैन सभा मालेरकोटला, प्रिंसिपल एंड स्टाफ एसए जैन हाई स्कूल एंड एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इन सभी संस्थाओं और महानुभावों के अतिरिक्त आप जो भी मेरी माताएं बहनें सभी बुजुर्ग साहिबान सभी मेरे भाई जो इस हाल में मौजूद हैं और उतनी ही संख्या में हाल के बाहर बरामदे में मौजूद हैं, आप सभी चोपड़ा परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हुए, चोपड़ा परिवार के लिए आप सभी एक एक मेरी माता बहन मेरे भाई साहिबान सभी सभी चोपड़ा परिवार के लिए बहुत ही आदरणीय बहुत ही सम्मानीय और बहुत मौजूद है और चोपड़ा परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है और परिवार की ओर से सभी से बेनती जिन भाई बहनों ने अभी तक लंगर नहीं लिया कृपया जाने से पहले लंगर अवश्य लेके जाएंगे और प्रसाद के रूप में चाय का कप सभी से प्रार्थना सभी अवश्य लेके जाएंगे। परिवार में अपनी एक कमाई में से कुछ संस्थाओं के लिए कुछ राशि निकाली है, उन संस्थाओं के कोई भी प्रतिनिधि अगर यहाँ मौजूद हो तो जाने से पहले मंच के पास से ये राशि अवश्य लेके जाएंगे अन्यथा बाद में पहुंचानी लगेगी। स्वर्ग धाम शमशान घाट के लोगे वैकुंठ धाम शमशान घाट जमालपुरा, श्री बगलामुखी मंदिर, श्री नैना देवी मंदिर, श्री राम शरणम आश्रम ठंडी सड़क, श्री राम शरणम आश्रम दीवानखाना रोड, श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड मालेरकोटला, श्री काली माता मंदिर, श्री वैष्णो माता मंदिर, डेरा बाबा आत्माराम जी, श्री गौशाला कमेटी, होम फॉर द ब्लाइंड एंड डिसेबल्ड,
श्री गोपाल भंडारा ट्रस्ट, श्री गुरुद्वारा सिंह सभा साहिब, श्री भूमेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट, माता सती मंदिर नवाशहर, बाबा डेरा पावड़ा स्ट्रीट, श्री राधा माधव प्रभात फेरी, बहावलपुरी पंचायती सभा, श्री नवशक्ति मंडल, रेलवे रोड लंगर कमेटी, हम लोग और परिवार की ओर से फास्ट वे चैनल वालों का भी इसकी कवरेज करने के लिए धन्यवाद किया जाता है। परिवार की ओर से श्री अनूप जी के भांजे श्री विनय कुमार जी हम लोग से यहाँ उपस्थित हैं। अनूप जी के भांजे श्री विनय कुमार जी जाने वाली आत्मा को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे और परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद। पावन के पवित्र हजूरी के बीच मौजूद आदरणीय पंडित जी, सारे ही रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधी, भैन भरा, दसदे कहन तो भाव जिस जिसनों भी सत्कार योग पूजा चोपड़ा जी के नाल जिन्ना जिन्ना प्यार अज असीं उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करन लई बैठे हैं। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਦਰਣੀ ਬਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵਾਧੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇ ਪੈਰ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੂਰਤ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸਾਡੇ ਬਾਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆਦਰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭੈਣ ਚਲੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਰਜਾਈ ਚਲੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਾਈ ਚਲੇ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਏ ਭਾਰਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਿਖੇਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਮੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਮੀ ਜੀ ਕੁਛ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਪੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗੋਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਵਾਸ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਿਭਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਆਪ ਸਭ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਪੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਅੱਗੇ ਹਨੁਮਾਨ ਕਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਪੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਔਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਦਾ, ਬੰਟੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕਿੰਗਰ ਜੀ ਦਾ, ਜੱਗੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 12:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 12:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮ ਆਸ਼ਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਕੀਰਤਨ ਸੰਗੀਤਮਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੇ ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਸਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਲਕਤ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਵਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਤੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। Yeah.
शांति शांति शांति।